बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विश्वविद्यालय की डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। वहीं इस सौगात के बाद लगभग 30,000 छात्रों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। करीब 12 करोड़ की लागत से यह निर्माण हुआ। इसके साथ ही बाबा साहब का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण भी किया गया। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय कैंपस में तीरंदाजी मैदान का भी उद्घाटन किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने अध्यक्ष बनने के बाद कहा था कि जब तक डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन नहीं होगा मैं अध्यक्ष कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। उसके करीब 80 दिन बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेंट्रल लाइब्रेरी का उद्घाटन कर छात्रों को नई सौगात दी। निर्मल चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया। वही खबर जयपुर से है, जहां नाहरगढ़ पहाड़ी पर देर रात एक स्कॉर्पियो कार पहाड़ी से नीचे गिर गई। कार के नीचे गिरने की आवाज सुनकर वहां से निकल रहे लोगों ने पुलिस कंट्रोल को जानकारी दी। पुलिस कंट्रोल से मिली जानकारी पर सिविल डिफेंस और ब्रह्मपुरी थाना पुलिस को मौके पर भेजा गया। दुर्घटना में सभी घायल कोटपुतली के 5 युवकों को रेस्क्यू कर SMS भेजा गया, जहाँ उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो गई। वहीं चार लोगों का चल रहा है। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद भी बचाव टीम ने कुछ लोगों को बाहर निकाला। दुर्घटना में कुछ घायल पहाड़ी पर मिले तो कुछ कार में फंसे। वहीं एक युवक को कार को काट कर भी बाहर निकाला गया, जिसके बाद 108 की सहायता से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार डिवाइडर से नीचे गिरी, इस दौरान कार के पीछे बैठे एक व्यक्ति ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ कार में नाहरगढ़ गया था।